हमारी जिंदगी एक तहरीर के मुताबिक चलती है और हर तहरीर एक खाली सफ़े पर लिखी जाती है। हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज ये है कि ये एक तसलसल से, एक तरतीब से चलती है। अल्लाह ताला हर इंसान को एक बिल्कुल पाक साफ परफेक्ट ह्यूमन बना के पैदा करता है दुनिया में दिमागी तौर पर। अपना हशर अच्छा या बुरा हम खुद करते हैं। उस तरतीब को बनाते भी हम हैं और बिगाड़ते भी हम ही। इंसान का जो जर्नी होता है वो सिफर से शुरू होता है। अब आप ये सिफर ही ले लीजिए, इसकी अपनी हैसियत क्या है? कुछ भी नहीं, लेकिन इसके अंदर इतनी ताकत है कि अगर ये किसी के वजूद के साथ जुड़ जाए तो उसको बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। ये सिफर है क्या? ये सिफर आपके फैसले हैं, ये सिफर आपकी सोच है, ये सिफर आपकी वजूद को एक मायने देती है। और अपने वजूद की तलाश में इंसान उस एक तक पहुंचता है। ये एक आप है, बल्कि नहीं, ये आप एक है। आपकी जिंदगी एक है और आपका मौका भी एक ही है। आप अगर समझ रहे हो किताब मेरे बारे में है तो बिल्कुल भी नहीं है, कौन पढ़ेगा फिर? तो इसलिए मैंने उस किताब को लिखा है हम सब के बारे में। उस किताब का नाम भी यू है। तो द बुक इज अबाउट यू। इट्स अ जर्नी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, इट्स जर्नी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम जीरो टू वन। यानी जीरो आपका वो सिफर का सफर है ना। ये सिफर वो है जहां आपकी जिंदगी शुरू हुई और एक वो है जो आपका वजूद है। तो आप अपने वजूद की तलाश में लग जाते हैं और उन चैप्टर्स में मैं आपको सिखाता हूं और बताता हूं कि कैसे हो सकता है। तो चैप्टर्स भी जीरो पे शुरू होते हैं, वन खत्म हो जाते हैं। चैप्टर जीरो आता है विच मीन्स यू डोंट एग्जिस्ट। आई टॉक अबाउट योर एग्जिस्टेंस एंड व्हाई। देन वी मूव टू पॉइंट वन विच इज द बैक टू द बेसिक्स। हमारी जिंदगी के बेसिक्स क्या थे जो हम भूल गए? याद है वो जूबली और वॉल्स? वो भूल गए, बिल्कुल बिल्कुल भूल गए, वो सिंपलिसिटी भूल गए। Then you move to point two, which is more than looking in the mirror, which is self-reflection. Then we talk about exploring ourselves, which is point three. Then we talk about complexes that we develop looking at people, point four. Then we talk about drawing the arrow, focus. Focus कैसे किया जाता है? Point six, distractions, missing the point. Point seven is effectiveness. Effectiveness कैसे आ सकती है? इसमें हम esteem की बात भी करते हैं, ego की बात भी करते हैं, and all those things. Point eight is moving forward, which is walking the talk. Point nine is the last few miles, which is about not giving up, catalyzing your journey. Various tools I mentioned in that. And one is the missing link. And the missing link is faith, iman. ईमान आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, जो क्रिश्चियन है उसके अंदर भी है, जो हिंदू है उसके अंदर भी है। ईमान का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो हमारी सारी एग्जिस्टेंस को पैकेज करता है। एंड दैट्स वेयर द बुक एंड्स। सो दिस बुक इज अबाउट यू। किताब का जो लुब्बे-लबाब है वो ये है कि एक सफर का सफर है ये। क्योंकि आप जब अपने आप को ढूंढ लेते हैं तो जर्नी शुरू होती है, खत्म नहीं होती। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों का आपका अगला सफर, आपके अगले सफर का मंजर है। जाइए।